तो दोस्तों अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हो रही है इंडोर में, और ये मैं रिकॉर्डिंग 60 फ्रेम पर सेकंड पर कर रहा हूँ। अभी आप जो है देख सकते हैं कि कैमरा का ऑटो फोकस जो है वो कितना फास्ट है और कितने अच्छे से ये आपके लिए ऑटो फोकस कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए जिस ऑब्जेक्ट की तरफ मैं कैमरा को मूव कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी से फोकस कर लेता है, और फोकस करने के बाद देखिए ये कितनी ज़्यादा क्लैरिटी में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है कर रहा है। अगर आप निकॉन D3300 परचेज करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का DSLR कैमरा साबित होगा। अगर आप वीडियोग्राफी के शौकीन हैं या फिर अगर आप अपने ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फोकस पॉइंट देखिए इसका, जिस ऑब्जेक्ट पर ये फोकस कर रहा है कितनी फास्ट कर रहा है, और पीछे की जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर देता है बहुत ही अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देखिए फोकस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो फोकस पॉइंट जो होते हैं, फोकस पावर जो होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस कैमरा में ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर आप कलर देखिए कितने नेचुरल रिकॉर्ड कर रहा है ये। तो दोस्तों वीडियोग्राफी में ये बहुत ही अच्छा कैमरा है।